एक गाना के जरिए तमाम स्टूडेंट को ये बताना चाहता है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपके जीवन में। आप एक लेबर क्लास के काम करेंगे अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते। जे ढोवे के पड़ी इतना लोहा भारी हो, करती हम मन से पढ़ाई हो, ए हो खोज लेती नौकरी सरकारी हो, छोड़ दो लो कोइल भैया तू लफुआ गिरी हो, ना तो करे के परी है लफारी हो, ए हो जब गाड़ी पलोड तारा पारी। जिस कंपनी में काम करता था वहीं से ये गाना गाया था और सोशल मीडिया पे डाल दिया था। उस दिन से ये जो गाना था काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल। पढ़े लिखे आप? मेरा पढ़ाई मैट्रिक ले हुआ है। मैट्रिक हुआ है जी। तो मैट्रिक करके आप कहाँ चले गए थे? चेन्नई गए थे जी। क्या करने के लिए वहाँ पे? अभी हमारे साथ जो लड़का बगल में खड़ा है इसके बारे में आपको बताऊंगा। और रियली अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। ये लड़का का कहानी कुछ ये है कि ये मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है और मैट्रिक का एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये पैसा कमाने के लिए बाहर कंपनी में काम करने लगता है। जब ये कंपनी में काम करना शुरू करता है तब इसको ये एहसास होता है कि नहीं, हमको पढ़ना चाहिए, अगर हम पढ़े लिखे होते तो हमको इस तरीके का काम नहीं करना पड़ता। और एक गाना के जरिए तमाम स्टूडेंट को ये बताना चाहता है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपके जीवन में। आप एक लेबर क्लास के काम करेंगे अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो। ये एक गाना के जरिए लोगों को बताए थे कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो आपको किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और जब से ये गाना गाए हैं तब से ये कंपनी में ही काम करता था, जहाँ पे ये काम करता था, जिस कंपनी में काम करता था वहीं से ये गाना गाया था और सोशल मीडिया पे डाल दिया था। उस दिन से ये जो गाना था काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो आज जब मैं उस गाना को सुना तो बहुत इंस्पायर हुआ और मैं इनसे मिलने लिए आ गया, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, तो उनसे उनको रियली मोटिवेशन मिलेगा। चलिए तमाम बात करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जितने भाई देने, सबको नमस्कार प्रणाम। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कमेडियन गुरुलाल। अच्छा, तो क्या हुआ था, मतलब आपका एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे आप? मेरा पढ़ाई मैट्रिक ले हुआ है। मैट्रिक हुआ है जी। तो मैट्रिक करके आप कहाँ चले गए थे? चेन्नई गए थे जी। क्या करने के लिए? वहाँ पर काम करने के लिए गए थे। क्या काम कर रहे थे? सिटी लाइन का था, लोहा ढोना, शीट ढोना, करकट वगैरह। अच्छा, लेबर क्लास का काम करते? लेबर क्लास, क्योंकि आपको पढ़ाई तो ज़्यादा था नहीं जी। जी, अच्छा, वहाँ पर बोलता था कि कितने पढ़े लिखे, पूछा था? हाँ, पूछे थे, बताया था मैट्रिक पढ़ा लिखा। अच्छा अच्छा, तो किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि आप सोचे कि थोड़ा सा गाना गा के लोगों को जगाते हैं? वहाँ पर गाना था, जनती जे ढोवे के परी इतना लोहा भारी हो, करती हम मन से पढ़ाई हो, ए हो खोज लेती नौकरी सरकारी हो, छोड़ दो लो कोइल भैया तू लफुआ गिरी हो, ना तो करे के परी है लफारी हो, ए हो जब गाड़ी पलोड तारा पारी हो। इस तरीके का कुछ गाना था। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं ना तो आपको हेल्पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनका भी मजबूरी था, क्योंकि ये पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मजबूरी है, पैसा कमाना पड़ेगा किसी तरह फैमिली को चलाने के लिए। पापा क्या करते हैं आपका? पापा घर पर रहते हैं, छोटा सा दुकान चलाते हैं। अच्छा, पापा घर पर ही रहते हैं जी। अच्छा, तो क्या ऐसा मजबूरी हो गया कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के कमाने चले गए? देखिए, पैसा के तो मजबूरी, पैसा के तो बहुत सारा मजबूरी होता है और वहीं का कारण, और उसके बाद बाहर गए। तो अब क्या डिसाइड किया है, पढ़ाई लिखाई करना है कि नहीं करना है? हाँ, पढ़ाई लिखाई भी होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। कोई वीडियो भी लाइन काम कर रहे तो बिना पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो वो भी दोनों चलेगा साथ में। पढ़ाई भी चलेगा और वीडियो भी बनाते रहेंगे साइड से। हाँ, बिल्कुल।
तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिएगा आप? कहना चाहिएगा कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है? बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई अवश्य जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर वीडियो भी बना रहे हो तो उसमें पढ़ना लिखना जरूर पड़ता है, उसे बिना पढ़ाई के भी नहीं होगा, बिना पढ़ाई कोई काम भी नहीं होगा, तो पढ़ाई सबसे जरूरी है, पहले तो पढ़ाई ही जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है जी। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो फिर लेबर क्लास का काम करना, वो तो करें आखिरी दाम में तो टोकरी धोएंगे पड़ी। हाँ, टोकरी धोई के पड़े, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है जी। बिल्कुल, जीवन को चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जी। बिल्कुल, तो अभी समय है आप लोगों को, अगर आप इस उम्र में है और चाहते कि मैं भी बाहर जाके पैसा कमाऊँ, तो फिर ये थिंकिंग आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके का सोचते हैं ना, तो जब आप काम करेंगे ना तब आपको एहसास होगा, जब आपको आपके आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ना तब एहसास होगा कि नहीं पढ़ाई कितना ज़रूरी है और क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है कि अब मैं मैट्रिक कर लिया हूँ, बहुत पढ़ लिया, अब जा रहा हूँ कमाने बाहर, दिल्ली जा रहा हूँ, चेन्नई जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, तो अगर आप क्लास टेंथ करके पढ़ाई छोड़ के अगर कमाने के लिए जाते तो आपको, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा करके कोई स्टार नहीं बनता है, लेकिन ज़्यादा करके लोग हेल्पर का ही काम करते हैं और उसमें बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिस तरीके से भाई ने बताया। और भी जानकारी लेते हैं भाई से, बाकी और क्या करते हैं आप? हाँ, और वहीं पर मतलब काम वगैरह शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, और भी मेरा डायलॉग था, भैया हो भाई उजर खिचड़ी देखला के बाद स्कूल के पियर खिचड़ी याद पड़ गई, सर्व पढ़ाई छोड़ला के नतीजा बाहर कमाए गईला में बुझाता, 10 घंटा खटला के बाद उजर खिचड़ी भात बेटा था। अच्छा अच्छा, तो पूरा एकदम अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस किए हैं वही गाना के जरिए निकाल रहे हैं, अपने फीलिंग को निकाल रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल भैया। और भी कुछ है क्या बताइए? और भी है भैया हो, घरे रहनी तो बाबू जी के बल पर दूर हेने से मोटरसाइकिल चारो हेने से मोटरसाइकिल, रुपया के साथ भुजा भूज दी, ए बेरा बाहर में आई बनी, सारा रुपया कमात कमात छूतर पर के पैट खिया जाता। अच्छा, देख सकते हैं कि अपना दर्द बता रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से अपने लाइफ में प्रॉब्लम को फेस किया है वो चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जागिए और पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, अभी कमाने के बारे में मत सोचिए, बाहर जाके कंपनी में काम करने की बारे में मत सोचिए।